नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसी पर डिटेल रिपोर्ट हम आपको देंगे। और ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम, जहां पर कल बारिश के चलते जो जाम लगा था, अपडेट ये है कि वो जाम अभी तक जारी है। जाम के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर का ये लंबा जाम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर होंडा चौक और आसपास के इलाकों में लोग पिछले 12 से 14 घंटे से इस जाम में फंसे हुए हैं। पूरी रात जाम के बाद आज सुबह भी जाम ने एक बार फिर से भयानक रूप ले लिया। कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है। जाम के चलते गुरुग्राम के सभी स्कूलों में आज और कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये एहतियातन कदम उठाया गया है। जाम के चलते गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जाम खुलने में अभी वक्त लगेगा, यानी कि जो वक्त 12 से 14 घंटे का बीत चुका है, अभी पूरी रात भर इस तरह का जाम लगा रहा, सुबह भी ये जाम जारी रहा और अभी भी लोगों को इससे राहत नहीं मिलने वाली है। कुछ और घंटे हो सकता है कि इस जाम में आपको बिताने पड़े। दो तस्वीरें हम इसी जाम की आपको दिखा रहे हैं। कल पूरी रात जाम लगा रहा, आज भी अपनी गाड़ियों में लोग सुबह तक सोए क्योंकि वो जाम में फंसे हुए थे और आज भी सुबह ऐसी तस्वीर देखने को मिली। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये जाम और भयानक रूप ले चुका है। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और ये जाम कई किलोमीटर लंबा है और न जाने ऐसी कितनी गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई हैं। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जाम कल शाम को बारिश के साथ शुरू हुआ था और ये जाम अभी तक बरकरार है। हालांकि सुबह थोड़ा सा जाम खुलने की तस्वीर लगा कि कुछ होगी, लेकिन चूंकि आज भी ऑफिस का ही दिन है, लोग अपने घरों से ऑफिस जाने के लिए निकले, आज भी हल्की रिमझिम बारिश हुई जिसके चलते जाम की स्थिति और भयावह हो चुकी है और 12-14 घंटे बाद भी जाम नहीं खुला है। और अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि गुरुग्राम में जाम क्यों लगा, इसका कारण आपको हम बता देते हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर के पास कल देर शाम को ड्रेन टूट गई और इसके बाद दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे तक पानी भर गया। भारी बारिश से स्थिति और भी खराब हुई, यानी कि दो वजह रही जिस वजह से 12 से 14 घंटे का जाम लगा हुआ है। सोहना रोड तक शहर के मुख्य इलाकों में पानी भर गया और गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी से जाम लगा हुआ है। सुभाष चौक से लेकर एक्सप्रेसवे तक 4 फुट पानी जमा हो चुका है और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे भी जाम है। वहीं गुरुग्राम में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। एहतियातन स्कूलों में 29 और 30 जुलाई को छुट्टी कर दी गई है। आदेश ना मानने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात पुलिस की तरफ से की गई और 3 दिन में सड़कों की हालत में सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। गुरुग्राम में लगे इस भयानक जाम पर ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि दिल्ली से गुरुग्राम आ रहे लोग वापस लौट जाएं। सड़कों पर पानी भरने से ज्यादातर रोड जाम है और इसी वजह से NH8 नेशनल हाईवे 8 और सोहना रोड पर आप जाने से बचें। वहीं इस बात की ताकीद भी दी गई है कि आज दोपहर 12 बजे तक हीरो होंडा चौक की तरफ जाने से बचें। ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और सीधा इस वक्त हम रुक कर लेते हैं गुरुग्राम से। जी मीडिया संवाददाता यशस्विका मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम अपडेट ले लेते हैं। यशस्विका, सबसे पहले तो आप तस्वीरें दिखाइए, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर जाम की स्थिति क्या है, लोग कितना परेशान हो रहे हैं, 12 से 14 घंटे का वक्त बीत चुका है। जी बिल्कुल पूर्णिमा, आपको सीधा पहले तस्वीरें दिखाती हूँ। मैं यहाँ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर ही जो सिचुएशन है उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे क्या कुछ हालात होंगे। तो सबसे पहले तो यही एडवाइजरी हम भी कहेंगे कि गुरुग्राम में आने से बचे दिल्ली वालों को। आज गुरुग्राम की तरफ नहीं आना चाहिए क्योंकि बॉर्डर पर ही बहुत बुरा हाल है। साथ ही कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है जाम लग रहा है। जो लोग यहाँ पर रथ लेकर निकल रहे हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं जाम लग रहा है। और अब बारिश जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है।
तो जो दिल यहाँ गुरुग्राम की जो ट्रैफिक पुलिस है वो ये कोशिश कर रही है कि जाम जो है वो खुलवा सके, उनके लिए जो मुश्किलें हैं और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि NH 8 जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जाम हुआ है, यहाँ पर राजीव चौक, इफ्को चौक, सोना रोड और हीरो होंडा चौक जो है वो बहुत बिल्कुल ही जाम है, वहाँ जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और दिल्ली और गुरुग्राम का ये जो बॉर्डर है यहाँ पे ही जो लोग हैं वो बहुत ही घंटों से, यहाँ कहना गलत है कि सुबह से ही यहाँ पर फंसे हुए हैं, और बारिश की वजह से लोगों को और ज़्यादा दिक्कत हो गई। कई लोग जो हैं अब रॉन्ग साइड चलना शुरू हो गए हैं और कुछ लोग एहतियातन आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, और बारिश की वजह से जो गाड़ी है उन्होंने अपनी साइड में लगा ली है, आगे की तरफ बढ़ने से वो बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। और जो लोग यहाँ पास में ही एम्बियंस मॉल है वहाँ जो जा रहे हैं, जिनकी जॉब है वहाँ पर, वो पैदल ही जाते हुए यहाँ से लोग दिखे, वो गाड़ी और जो ऑटो रिक्शा जिससे वो जा रहे थे वो पीछे ही छोड़ दिया। यशस्विका, मैं आपको 2 मिनट रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें अपने व्यूवर्स को, दर्शकों को दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से जाम लग रहा है। और जाम के साथ साथ आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि भारी बारिश हो रही है, और जैसा कि यशस्विका ने यहाँ पर कहा कि लोग अब रॉन्ग साइड पर चलना शुरू हो चुके हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप रॉन्ग साइड पर चलेंगे तो जाम की स्थिति और ज्यादा बेकार होगी। इसीलिए जो व्यवस्था की जा रही है उसके अनुरूप जाएं, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके हिसाब से आप जाएं, ताकि ये जाम जल्द से जल्द खुल सके और जो लोग फंसे हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यशस्विका, ये तस्वीरें तो आपने देखी और वाकई में समझ में आ रहा है कि लोग रात से कितना ज़्यादा परेशान हैं। क्या ये माना जाए कि आज सुबह ऑफिस आवर्स थे जिसके बाद लोगों की गाड़ियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ी, जाम और ज़्यादा बुरा हुआ? दूसरी तरफ कोई बैठक की भी जानकारी मिल रही है कि इस जाम से निपटने के लिए बैठक बुलाई गई है, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद है, अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, DC मौजूद है वहाँ? जी बिल्कुल, शाम 7 बजे, करीबन 7 बजे से ये जो जाम है गुरुग्राम में लगा हुआ है, और अब करीबन 15 घंटे हो चुके हैं कि ये जाम की स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। जो हमें जानकारी मिली, कई लोग जो हैं जो नाइट शिफ्ट के लिए निकले थे, MNCs में जो काम करते हैं वो अपने ऑफिस तो पहुंच ही नहीं पाए हैं, और जो लोग सुबह अपने ऑफिस के लिए निकले हैं उनकी वजह से जो जाम है और ज़्यादा बढ़ गया है। धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए 2 दिन के लिए गुरुग्राम में सभी स्कूलों की छुट्टियाँ भी जारी कर दी गई हैं। एक मीटिंग जो है वो हुई है, और उसमें जो उसके बाद एक एडवाइजरी भी ये जारी की गई है कि गुरुग्राम की तरफ जो लोग हैं वो ना आए, और गुरुग्राम में जो लोग रहते हैं कोशिश करें कि अपने घर से ही काम करें। हाँ। और लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो रॉन्ग साइड ना आए और थोड़ा सा धैर्य बरतें ताकि ये जाम जो है वो खुलवा सकें, उनके सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन बारिश की वजह से शायद लोग जो है अब सहयोग करने से बचेंगे, क्योंकि सबको ऑफिस भी पहुँचना है या घर पहुँचना है, और ये कि उसके लिए भी हमने एक ऑल्टरनेटिव निकाला है। हम साथ में जानकारी जो चला रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव रूट क्या अपना सकते हैं अगर आपको गुरुग्राम में अलग अलग जगह जाना है, तो वहां पर आप इस रास्ते से ना जाके दूसरा कौन सा रास्ता आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप फरीदाबाद के जरिए जा सकते हैं, आप दूसरी जगह जा सकते हैं स्ट्रेच को अवॉइड करते हुए। उसके लिए हम बाकायदा दर्शकों के लिए जानकारी नीचे चला रहे हैं, वो अपडेट आप ले सकते हैं ताकि आप इस जाम में ना फंसे। यशस्वी का, कब तक ये माना जा रहा है, ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब बारिश तेज हो चुकी है, हो सकता है कि जो उन्होंने कुछ वक्त की बात और कही थी कि जाम रहेगा, यह वक्त और लंबा हो सकता है। लोगों से आपने बात की, कल रात से वो परेशान हैं, वो क्या कह रहे हैं? पूर्णिमा, खासकर जो बसेस हैं जो यहाँ से, ये जो गुरुग्राम से लेकर जयपुर का जो ये रोड है ये जाम है, तो जो बसेस हैं जो यहाँ से निकलती हैं राजस्थान जाने के लिए वो फंसी हुई है, और रात में जो है ट्रकों की भी एंट्री खोल दी जाती है, जिसकी वजह से वैसे ही जो मानेसर और गुरुग्राम का जो रास्ता है वो काफ़ी स्लो मूविंग ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन ये बारिश की वजह से, और कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंडरपास बन रहे हैं, मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस वजह से भी कई जगह जो है जलजमाव हो गया है और ट्रैफिक की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये खबर आई थी कि उन्हें करीबन 2 से 3 घंटे चाहिए होंगे ये जाम खोलने के लिए, लेकिन अब जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और लोग जो है वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं, और बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लग नहीं रहा है कि ये बरसात अभी रुकने का नाम लेने वाली है, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो लगता नहीं है कि 12 बजे तक भी जो उन्होंने टाइम कहा है तब तक ये ट्रैफिक खुल पाएगा, और कहना गलत नहीं कि सारा दिन परेशानी बिल्कुल होती रहेगी। यशस्वी का, ये तस्वीरें देखना व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपने घर से निकलने से पहले आप रेडियो ऑन कर सकते हैं, जिस पर आपको ट्रैफिक की डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आप गुड़गांव का रुख
इन केस कर रहे हैं, और अगर नहीं तो आप टेलीविजन ऑन कीजिए। आपको ये तस्वीरें हम सीधी लगातार दिखा रहे हैं, जानकारी भी ये दे रहे हैं कि आप कैसे जा सकते हैं, और बेहतर होगा अगर एडवाइजरी आप फॉलो करें। एडवाइजरी ये है कि दिल्ली से जाने वाले लोग गुड़गांव का रुख ना करें। 2 दिनों के लिए स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है, और साथ ही लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि वो अगर जाम से बचना चाहते हैं तो फिलहाल अपने घर पर ही रुकें।